एक तालाब में कंबुग्रीव नाम का कछुआ रहता था। उसी तालाब में प्रतिदिन आने वाले दो हंस, जिनका नाम संकट और विकट था, उसके मित्र थे। तीनों में इतना स्नेह था कि रोज शाम होने तक तीनों निकलकर बड़े प्रेम से कथालाप किया करते थे। कथालाप यानी कहानियां या किस्से आपस में एक दूसरे को सुनाया करते थे। कुछ दिन बाद वर्षा के अभाव में वो तालाब सूखने लगा। हंसों को ये देखकर कछुए से बड़ी सहानुभूति हुई। कछुए ने भी आंखों में आंसू भरकर कहा, अब ये जीवन अधिक दिन का नहीं है, पानी के बिना इस तालाब में मेरा मरण निश्चित है, तुमसे कोई उपाय बन पाए तो करो, विपत्ति में धैर्य ही काम आता है, यत्न से सब काम सिद्ध हो जाते हैं। बहुत विचार के बाद ये निश्चय किया गया कि दोनों हंस जंगल से एक बांस की छड़ी लाएंगे। कुछ कछुआ उस छड़ी के मध्य भाग को मुख से पकड़ लेगा। हंसों का ये काम होगा कि वे दोनों ओर से छड़ी को मजबूती से पकड़कर दूसरे तालाब के किनारे तक उड़ते हुए पहुंचेंगे। ये निश्चय होने के बाद दोनों हंसों ने कछुए से कहा, मित्र, हम तुझे इस प्रकार मरते हुए दूसरे तालाब ले जाएंगे, हम तुझे मरते हुए नहीं देख सकते, तुझे हम उड़ा कर ले जाएंगे, किंतु एक बात का ध्यान रखना, कहीं बीच में लकड़ी को मत छोड़ देना, नहीं तो तू गिर जाएगा। कुछ भी हो पूरा मौन बनाए रखना, प्रलोभनों की ओर ध्यान न देना, ये तेरी परीक्षा का मौका है। हंसों ने लकड़ी को उठा लिया। कछुए ने उसे उसके मध्य भाग से दृढ़ता पूर्वक मुख में ले लिया। इस तरह निश्चित योजना के अनुसार वे आकाश में उड़े जा रहे थे कि कछुए ने नीचे झुककर उन शहरियों को देखा जो गर्दन उठाकर आकाश में हंसों के बीच किसी चक्राकार वस्तु को उड़ता देखकर कौतूहलवश शोर मचा रहे थे। उस शोर को सुनकर कंबुग्रीव से नहीं रहा गया, वो बोल उठा, अरे ये शोर कैसा है? ये कहने के लिए मुख को खोलने के साथ ही कछुए के मुख से लकड़ी की छड़ छूट गई और कछुआ जब नीचे गिरा तो लोभी मछलियों की तरह उसकी बोटी बोटी कट गई। तो इसी तरह दोस्तों हमारी ये कहानी समाप्त हुई।